हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक चूहे और एक शेर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल में एक शेर और एक चूहा रहता था। एक दिन शेर अपना भर पेट भर के आके एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी पेड़ के अंदर एक चूहा रहता था। उसने देखा शेर सो रहा है। उसने बहुत शेर को हिलाने की कोशिश करी, शेर नहीं हिला, तो वह उसके ऊपर खेलने लगा। जैसे ही शेर की नींद खुली तो शेर ने चूहे को दबोच लिया और बोला, तू मेरे ऊपर नाच रहा है? तो उसने बोला, राजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी कभी ना कभी मदद ज़रूर करूँगा। यह बात सुनकर शेर को बहुत हंसी आई। उसने कहा, तू इतना सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, जा मैं तुझे छोड़ता हूँ, वैसे भी आज मेरा पेट भरा हुआ है, पर आगे से मेरे सामने कभी मत आना। उसने बोला, जी राजा जी, और वह वहाँ से भाग गया। एक कुछ दिन बाद जंगल में शिकारी आए। उन्होंने जाल बिछाया जिसमें शेर पकड़ा गया। शेर बहुत चिल्ला रहा था मदद के लिए, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब चूहे ने उस शेर की आवाज़ सुनी तो वह तुरंत गया और उसने जाल को काट दिया, जिससे शेर वहाँ से भाग निकला। और उस दिन शेर को समझ में आया कि चूहा ही मेरा सच्चा मित्र है। इस कहानी का शीर्षक यह है कि जो हमारे मुसीबत के समय में काम आए वही हमारा सच्चा मित्र होता है। थैंक यू।